साहस सरोकार। कैबिनेट मंत्री राकेश चौहान आज अदालत में होंगे हाजिर, कोर्ट से भागने के आरोप पर रखेंगे अपना पक्ष। 31 साल पुराने केस में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 10 महीने से कोर्ट में पेश नहीं हुए थे मंत्री राकेश चौहान। 1991 की शाम बर्रा चौराहे पर गैंगवार में हुई थी 3 हत्या, लखनऊ आम आदमी पार्टी के सांसद ने दिया नोटिस। सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में दिया 267 का नोटिस। अर्धसैनिक बलों को सेना में समान सुविधा देने के संबंध में नोटिस, लखनऊ आम आदमी पार्टी के सांसद ने दिया नोटिस। सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में 267 का दिया नोटिस। अर्धसैनिक बलों को सेना में सामान सुविधा देने के संबंध में दिया नोटिस। कैबिनेट मंत्री राकेश चौहान आज कोर्ट में होंगे पेश, कोर्ट से भागने के आरोपों में इन्हें आज पेश होना होगा। कोर्ट को फैसले ने सुरक्षित रखा था, 31 साल पुराने केस में कोर्ट में पेश होंगे, 10 महीने से कोर्ट में पेश नहीं हुए थे मंत्री राकेश चौहान। 1991 की शाम बर्रा चौराहे पर एक गैंगवार में 3 हत्या हुई थी, जिस मामले में इन्हें पेश होना था। वहीं 10 महीनों से राकेश चौहान इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तमाम तरह के आरोप भी इनको लगाए गए थे कि ये जो कोर्ट के आदेश की कॉपी है उसको इन्होंने फाड़ दिया था, लेकर फरार हो गए थे आदेश की कॉपी। इसके बाद आज राकेश चौहान कोर्ट में पेश होंगे। संवाददाता उपेंद्र उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जो तमाम तरह के आरोप मंत्री राकेश चौहान पर लग रहे थे उसके बाद आज ये पेश होंगे, और क्या कुछ पूरा मामला है जिस पे इन्हें पेश होना है कोर्ट में? सिसराज, आपको जानकारी बता दूं, कैबिनेट मंत्री राकेश चौहान जो है एमएसएमई के मंत्री है, योगी सरकार के देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री में इनको जो अच्छी पकड़ है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। और उसके बाद जो इनका मामला चला था 31 साल पहले, जो रेलवे गिट्टी चोरी का आरोप लगा था उसमें इनका जो चार्जशीट लग चुकी थी, और ये 10 महीने से जो है कोर्ट में तारीख लेने नहीं जाते हैं। और जब ये तारीख लेने पहुंचे शनिवार शाम को दोपहर के टाइम, तो इनके जो वकील थे रामेन कटियार, उन्होंने क्या किया कि जब जज साहब फैसला सुनाने लगे तो उनकी जो कॉपी है वो छीन करके और राकेश चौहान को विदाउट प्रोटोकॉल जो वहां से कोर्ट से बाहर निकाल दिया गया। वो आरोप लगने के बाद देखा जाए कहीं ना कहीं जो कोर्ट के जो अधिकारी हैं, जो कोर्ट के जो पेशकार लगे, उन्होंने जो है तहरीर दी कोतवाली थाने में, मुकदमा पंजीकृत किया। और जैसे कि हालांकि देखा जाए तो इस मुकदमे के आधार पर जो कानपुर कमिश्नर है बीपी जोगन जो है, उन्होंने जो है इसको कल संडे जो है संडे के मारे कोर्ट बंद थी, इसका सीसीटीवी फुटेज नहीं चेक हो पाया था, आज उसका फुटेज चेक हुआ। रही बात राकेश चौहान की, राकेश चौहान 11:30 बजे जो कानपुर के बार एसोसिएशन के जो पूर्व जो मंत्री अध्यक्ष रहे हैं रामेन कटियार, उनके माध्यम से 11:30 बजे प्रार्थना पत्र जो है कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें जो राकेश चौहान के वकील है उनका साफ कहना है कि हो सकता है कोर्ट जो है इनको माफीनामा दे दे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, इस खबर पर आपने नजर बनाए रखी।